तो व्यूवर्स, अगर चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ्री में देखने को मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल फन फूड सीक्रेट्स विद मानू खान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज फिर आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज बनाएंगे हम लोग घर में मूंगफली वाली लाई, जो बाज़ार में हमें काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं मूंगफली, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ करके इसका दाना ऐसे दरमियान में तोड़ दिया है। और यहाँ पे मैंने जितनी मूंगफली मैंने ली है, उतना ही मैंने लिया है गुड़। तो अभी चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनती है और कैसे बनाएंगे इसको। तो व्यूवर्स, यहाँ मैंने ले लिया है पैन और उसमें अभी मैं डालूँगी जो गुड़। गुड़ को मैंने अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कर दिया है, काफ़ी हार्ड होता है तो जल्दी मेल्ट नहीं होगा, इस तरह इस वजह से मैंने इसको छोटा छोटा करके अच्छे से कूट लिया है ताकि जल्दी से मेल्ट हो। सबसे पहले गुड़ को पकाएंगे, फ्लेम को आहिस्ता रखेंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पर गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया था, इसमें मैंने डाला है, डाली है सिर्फ 2 चम्मच टीस्पून जो है वो पानी, ताकि ये नीचे चिपके ना और ये जले ना। देखिए आहिस्ता आहिस्ता गुड़ मेल्ट होता जा रहा है। जैसे ही सारा गुड़ मेल्ट होगा तो उसके बाद बताती हूँ आपको कि क्या करना है। स्लो फ्लेम पे आपने सारे गुड़ को पहले अच्छे से मेल्ट कर देना है और साथ साथ में अच्छे तरीके से चम्मच चलाते रहना है। तो चलिए, जब तक गुड़ मेल्ट होता है मिलते हैं उसके बाद। देखिए व्यूअर्स, फ्लेम बिल्कुल आहिस्ता है और अच्छे से गुड़ जो है मेल्ट हो गया है। थोड़ा थोड़ा इसमें है अभी, ये भी सारा इसी में अच्छे से मेल्ट होकर एक पेस्ट की तरह बन जाएगा। तो साथ साथ में आपने इस तरह चम्मच या स्पैचुला चलाते रहना है ताकि ये नीचे चिपके ना। तो ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से गुड़ सारा मेल्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा सा गुड़ का टेस्ट लेंगे, थोड़ा सा इसी चम्मच में यहाँ बाउल में अपने ठंडा पानी ले लेना है। अभी इसमें से थोड़ा सा ऐसे इसमें डाल के देखेंगे कि ये अगर सख्त होके टूटे, जैसे लाई टूटती है, तो गुड़ रेडी है। अगर नहीं टूटी तो इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। ये व्यूअर्स, चेक करते हैं कि गुड़ सही से पक गया है या नहीं। देखिए ये नहीं पका अभी तक सही से, ये टूट नहीं रहा। थोड़ा सा गुड़ को और पकाएंगे और फिर एक टेस्ट लेंगे, उसके बाद इसमें पीनट्स ऐड करेंगे। तो चलिए थोड़ा और भूनते हैं गुड़ को ताकि अच्छे से तो व्यूअर्स गुड़ अच्छे से पक गया है। तो चलिए अब फिर इसका छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं पानी में, ठंडे पानी में डाल के। छोड़ देते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने थोड़ा सा और गुड़ अभी डाल दिया है इसमें, अभी देखते हैं कि ये टूटता है या नहीं। तो देखें इस तरह जब सख्त हो जाए, इस तरह टॉफ़ी की तरह टूटे, तो आप समझ जाए कि गुड़ बिल्कुल रेडी है। चलिए अभी इसमें पीनट्स ऐड करते हैं। तो व्यूअर्स, बारी है पीनट्स ऐड करने की। गुड़ बिल्कुल रेडी हो गया है, इस तरह सारे पीनट्स ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। सबको अभी एक बटर पेपर के ऊपर निकाल के सेट कर देंगे। इस पेपर के ऊपर मैंने बटर पेपर ले लिया है, सारे इसके ऊपर ऐड करेंगे। अभी गरम गरम ही ऐड करनी है क्योंकि फिर ये सख्त हो जाती है। चलिए व्यूअर्स, अभी सारा जो पेस्ट बनाया था हम लोगों ने वो डाल देते हैं हम लोग बटर पेपर के ऊपर और इसको अच्छे से सेट कर देते हैं। गरम गरम डालना है अपनी, ताकि फिर ये जो है ये सूख जाता है, सख्त हो जाता है। फिर इसको इसी तरह सेट करेंगे। इसको सेट करने के लिए मैं एक और बटर पेपर ले लेती हूँ, उसके ऊपर रख के, और ये मैं लूँगी बेली, जिससे अच्छे से मैं इसको हाथ से बेल लूँगी। तो
ओके व्यूअर्स, अच्छे से बेल लिया है मैंने इसको। अब इसको हम लोग किसी टाइम ही कट करेंगे पीसेस में। बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए कट हो गया है। जैसे ही ये थोड़ा सा और ठंडा होके रेडी हो जाएगा फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह पीनट की लाई बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।